इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं हूँ अभी कराची कैंडी स्टेशन पे। तो अभी मैं बहुत टाइम टू टाइम पहुँचा था और कराची एक्सप्रेस से मैं जा रहा हूँ। मेरी आज की जर्नी है, एक और नया सफ़र है मुल्तान की जानिब। वैसे कराची एक्सप्रेस जो डाउन है वो तो डिले हो गई है, अभी नवाबशाह नहीं पहुँची है तकरीबन। तो हम अभी नवाबशाह पहुँची है सारी। तो यहाँ पे हमने दूसरी अल्टरनेट ट्रेन चला दी है कराची एक्सप्रेस की। तो शुक्र है मैं टाइम पर आ गया, क्योंकि हम लोग का यही हो रहा था कि जब मैं ट्रैक कर रहा था लाइव तो लेट हो जाएगी, तो 8 घंटे डिले ही चलेगी। लेकिन यहाँ पे ये एक अच्छा स्टेप है कि अल्टरनेट चला दिया है उसका, ना मतलब पुरानी बोगियाँ हैं। ट्रेन का जो ये क्रैकिंग साउंड है ना, ये बहुत मुझे पसंद है। तो ये ट्रेन कराची से तकरीबन ऑन टाइम निकली है, तकरीबन 6 बजे तक ये पूरा इन्होंने इसने सायरन अपना दे दिया था, हॉर्न दे दिया था, और ये 6 बजे रवाना हो गई है। तो ये सामने मेरे जो जा रही है नाइट कोच है। तो फाइनली अभी हम हैदराबाद अराइव हो गए हैं। तो यार अब हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो कराची से हैदराबाद तक के सफ़र में तो सिर्फ इसी चीज़ में रह जाते हैं कि कोई गलत सीट पे बैठ जाता है, टीटी उठा के उनको फिर कहीं और शिफ्ट करता है, तो इसी चक्कर में आपका पूरा सफ़र गुजर जाता है। तो यार ट्रेन में मैं कुछ ख़ास रिकॉर्ड अभी कर नहीं सका हूँ, आगे मैं हैदराबाद के बाद रिकॉर्ड करता हूँ। तो सब कुछ टेम्प्रेरी है, लेकिन ट्रेन में जो बच्चों की जो खैं की आवाज़ें और रोने की आवाज़ें हैं ना, ये चीज़ें परमानेंट हैं, क्योंकि ट्रेन में बच्चे रोते रहते हैं। और जहाँ मैं बैठा हूँ, तो मैं वैसे ही आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रेन में जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, कराची एक्सप्रेस है, लेकिन ये असल में कराची एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि असल जो कराची एक्सप्रेस है वो डिले हो गई है। तो ये स्टेशन में मज़े के यहाँ पर खाने तैयार किए जा रहे हैं। ये दाल फ्राई है। क्या हिसाब किताब है इसका? और ये क्या चीज़ है? ये चिकन है भाई। दाल फ्राई की जा रही है और ये नान है कुछ, और कबाब है। ये पीछे हमारी अवामी एक्सप्रेस खड़ी है, क्योंकि इस पर जो बोगियाँ लगाई गई हैं वो अवामी एक्सप्रेस की लगाई गई हैं, और हमें बताया गया था टिकट हमें कराची एक्सप्रेस की दी गई है। हाँ भाई, कैसी है दाल फ्राई हैदराबाद की? अच्छी वाकई? बड़े सख्त दिल से बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हें अच्छी लगी। अच्छी लेकिन अच्छी। अच्छा, क्या बात है। असल में गरम गरम फ्राई की है ना, इस वजह से थोड़ी सी अच्छी लग रही है। आपने क्या क्या ऐड किया हुआ इसमें? दाल सब्जी मिक्स है। ज़बरदस्त। तो फाइनली नवाबशाह और अभी यहाँ पे सिर्फ इसने 2 से 3 मिनट का ही स्टॉप लिया है ट्रेन ने। ये कुछ नवाबशाह पे गहमा गहमी है। मुसाफिर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन का, और हमारी ट्रेन की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 1 घंटा लेट हो गई, राइट? तो अभी इसके बाद जो स्टॉप होगा हमारा वो होगा रोड़ी पे। रोड़ी पे कितने मिनट पहुँच जाएंगे? तो 2:30 बजे तक इंशाल्लाह रोड़ी अराइव हो जाएंगे। और ये अभी चाय हमने यहाँ पे ऑर्डर की है, और कराची एक्सप्रेस में सीरीनियर के कप में यहाँ पे चाय दी जा रही है। चाय का टेस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी चाय ट्राई की थी, और 50 रुपये इसकी कम की प्राइस है उन्होंने ली है चाय की, और बिल्कुल एक अच्छा रूम पड़ा हुआ है, पानी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हुआ था अभी डाइनिंग कार नहीं है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट ट्रेन चल रही है, यहाँ पे एमरजेंसी है, तो इस वजह से जो चाय है वो भी सही नहीं है यहाँ पे। बस आप ये चेक करेंगे सीनी नियर इसका यहाँ पे ग्लास है।
क्या बात है भाई, रोड़ी स्टेशन पे पहुंच चुके हैं फाइनली, और उतरते ही साथ यहाँ पे पावर बैंक सेल हो रहे हैं। चाइना है भाई, सब चाइना है। अमूमन रोड़ी स्टेशन पे बड़ी काफ़ी रौनक लगी रहती है, लेकिन यहाँ पे शायद लाइट नहीं है इस वजह से यहाँ पे, और अभी हम यहाँ पे तकरीबन एक घंटा लेट अराइव हुए हैं क्योंकि ट्रेन हमारी एक घंटा लेट है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट का क्या नाम है बोगी लगी हुई है, जो कि स्टेशन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बैक साइड पे है, और यहाँ पे काफ़ी शोर लगना लग गया है। और अभी हम यहाँ पे ट्राई करेंगे चाय। सर्दी की जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो सर्दी यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी ख़ास नहीं है। क्यों भाई, सर्दी नहीं है इतनी ख़ास? आजा चाय, आजा एक चाय, आजा ले आ जाए। हाय 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 हाय, रोड़ी का स्टेशन और गरम गरम चाय हो, क्या बात है भाई को दो पीलो यार। ओए 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 भाई, चाय का जो मज़ा है मज़ा आ गया, गरम गरम चाय की बात ही अलग है। क्या है आपके पास खाने में? अपने पास मटर पुलाव है, चिकन है, चने हैं, नान है। क्या बात है, और ये क्या है? मूंग की दाल। मूंग की दाल, ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, खैरियत से? ठीक है, कराची से। कहाँ तैयारी है? मुल्तान की तैयारी है। उबर पे जा रहे हो? हाँ बिल्कुल, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फाइनली रोड़ी स्टेशन से रवाना हो गए हैं, और अब मैं जाके सामान लगाऊं, और मेरी यहाँ से लगी तकरीबन लाहौर को, लाहौर को तकरीबन एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 6:15 पर अराइव हो जाएगी। वैसे ट्रेन जो है वो एक घंटा ऑलरेडी चल रही है। ये ट्रेन का वॉशरूम है और ट्रेन आ रहा है, पानी की कंडीशन ये है, ऐसे आ रहा है पानी, वो पानी की टंकी लगी हुई है, तो इस तरह से ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम तो साफ सुथरा है, वॉशरूम साफ सुथरा है, लेकिन पानी के लिए लोटा नहीं है यहाँ पे, हर लोटा है। ये बॉटल एक लगी हुई है, मैं यहाँ से इसको भर के और पार हो रहे हैं। वोटियर, वोटियर। तो जनाब अभी हम दुनिया के बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो सबसे खूबसूरत जो स्टेशन समझा जाता है बहावलपुर का स्टेशन, तो अभी हम बहावलपुर अराइव हो गए हैं। तो ये इस तरह कुछ स्टेशन है, असल व्यू मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ इस स्टेशन का किस तरह है। तो जो असल व्यू और मेन बिल्डिंग है बहावलपुर स्टेशन की वो इस तरफ है, और ट्रेन जो है वो इस साइड पर रुकी है क्योंकि ये जाने वाला रास्ता है। मतलब आप ये देखेंगे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कितना खूबसूरत है बहावलपुर का, और क्या क्लीननेस है पूरे स्टेशन पे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है क्योंकि बहुत केयर की गई है स्टेशन की। और यहाँ पे नारे लग रहे हैं नाश्ते के, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 9:30 हो रहे हैं, और जो ट्रेन है वो 2 घंटा डिले के हो गई है। यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड है सीट का, मैं आपको बताऊँ, देखें ये यहाँ तक स्पेस है। कराची एक्सप्रेस का जो स्पेस होता है वो यहाँ तक होता है, और ना उसमें पॉकेट है ना कुछ है, और ऊपर लाइट भी देखें टूटी हुई है। तो ये यहाँ पे सीटिंग है इसकी, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड है और शॉर्ट सीटिंग है। तो फाइनली यार हम मुल्तान के एंड स्टेशन पे अराइव हो गए हैं, और यहाँ तक हमारी जर्नी बड़ी ज़बरदस्त रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है। मुल्तान जिसे समझो वलियों का शहर समझा जाता है,
तो फाइनली हम यहाँ अराइव हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है जो कि आगे लाहौर जाएगा। ठीक है भाई, इजाज़त है फिर, तुम लाहौर तक जाओ, हम यहीं पे तुमसे रुख्सत होते हैं। अरे है, ये है मुल्तान की सरजमीन। और सर्दी का जहाँ तक बताऊँ तो यार सर्दी यहाँ पे काफ़ी है, और सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी। यार बहुत ही गहमा गहमी थी, बहुत ही रश है, आमदोरफ़्त बहुत ज़्यादा है, और ट्रेनें भी लेट हैं, तो काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि साल का एंड है, हर कोई 3-4 छुट्टियां आती हैं तो अपने घर जाता है, मिलने जाता है, रिश्तेदारों से मिलने जाता है। तो बहुत ही रश था, बहुत ही गहमा गहमी थी स्टेशन पे। तो ये कुछ बाहर के मनाजिर हैं मुल्तान। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।